तो यार दो दिनों से मैंने एक्चुअली कोई वीडियो बनाई नहीं क्योंकि तुम्हारा भाई जो था वो गेम्स खेलने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था और गेम्स खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चलता यार। उस दिन मैं गेम्स खेलते बैठा था तो भाई अगला दिन सुबह हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला। बट एनीवेज छुट्टियों के दिन हैं, अभी 2-4 दिन ही बचे हैं कॉलेज शुरू होने से पहले, तो जितना हो सके उतना खेलो, मजे करो, कुछ भी करो। बट अब बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना वरना तुम बहुत सारी अपडेट्स को मिस कर दोगे एंड बाद में मुझसे कहोगे कि ड्रैगो एक्स ये तो यार से आपा हो गया। इसी के साथ गाइस हम एक बहुत बड़ी और शानदार कम्युनिटी बन सकते हैं, 100K का परिवार बन सकते हैं, उससे भी ज्यादा, तो सब्सक्राइब के उस बटन को दबा देना एंड चलो वीडियो के अंदर। तो यार हमारी पहली अपडेट है डॉक्टर स्टोन की एनिमे से, तो डॉक्टर स्टोन एनिमे सीजन 1 आपको अब फ्री में देखने को मिल सकता है एनीवन एशिया की यूट्यूब चैनल पर, तो आपको वहां जाना है और डॉक्टर स्टोन सीजन 1 आप एक्चुअली फ्री में देख सकते हो, पर ये जापानीज में अवेलेबल होगी यहाँ पर। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके इंग्लिश डब को देख लेना, वो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि अगर आप यू नो जापानीज से वाकिफ नहीं हो, यानी कि आपने कभी ज़्यादा जापानीज एनिमेज देखी नहीं है, तो डॉक्टर स्टोन की एक एनिमे ऐसी है जो मैं कहूँगा कि इंग्लिश डब में देख लो, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो शायद से जापानीज में आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, भले ही वहाँ पर इंग्लिश सबटाइटल्स हो, पर इंग्लिश डब में आपको काफ़ी ईजिली वो समझाया जाएगा। बट अगर आप प्रो ओटाकू हो तो आप जापानीज में डेफिनेटली देखना, इट्स काइंड ऑफ बेटर इन दैट। हमारी अगली अपडेट है डिज्नी चैनल के बारे में, क्योंकि वहां पर एक नई शो आने वाली है जिसका नाम है गोस्ट फोर्स। ये शुरू होने वाली है 12th of November शाम के 7 बजे से, जो कि काफी अच्छी बात है। हमारी अगली अपडेट है बेबलेट के बारे में, और बेबलेट बर्स्ट ट्वाइस फाइनली डिज्नी चैनल पर शुरू हो चुका है। ये आती है रात के 9:30 बजे, तो देखकर एंजॉय कर लेना क्योंकि बहुत टाइम के बाद बेबलेड का एक नया सीजन हमको देखने को मिल रहा है। हमारी अगली अपडेट है वन पंच मैन के तरफ से, एंड किड जोन पाकिस्तान जो है वो वन पंच मैन की एनिमे को उर्दू लैंग्वेज में लाने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे सारे पाकिस्तानी ओटाकूस के लिए, क्योंकि इंडिया में हमको डीमन स्लेयर, रेडियंट और न जाने कितने सारे एनिमेज हिंदी में मिल रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान वालों को वन पंच मैन की एनिमे उर्दू में देखने को मिल जाएगी, सो दैट इज़ काइंड ऑफ नाइस। हमारी आखिरी अपडेट है ड्रैगन बॉल के बारे में, एंड फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज जो है वो कार्टून नेटवर्क पर खत्म हो चुकी है, यानी कि उन्होंने पिछले संडे को 131 एपिसोड्स पूरे कंप्लीट कर दिए, एंड मुझे कहना चाहिए इट्स काइंड ऑफ इमोशनल। यानी कि पिछले संडे लास्ट एपिसोड को देखकर मुझे काफी बुरा लग रहा था यार, क्योंकि मुझे वो पूरी जर्नी याद आ रही थी कि कार्टून नेटवर्क पर हम ड्रैगन बॉल सुपर को कैसे ला रहे थे, यानी कि मेरे साथ सोशल चैन भाई एक्सेट्रा काफी लोग जुड़े थे और हम तुम लोगों को हिंट्स देते जा रहे थे कि कार्टून नेटवर्क कुछ बड़ा करने वाला है। वो पुराने वीडियोस मुझे याद आने लगे, एंड अभिषेक दत्ता सर के साथ हम बातें करते थे, वो भी हमको बताया करते थे कि ऐसा प्लान है, वैसा प्लान है, एंड वी वर सो एक्साइटेड, और ये सब मैं वीडियोस में बोलता था। एंड फाइनली मे के दिन, मे 2022 में ड्रैगन बॉल सुपर का पहला एपिसोड आया, एंड या हम काइंड ऑफ इमोशनल, यानी कि मुझे बहुत वो हिट हो रहा था कि हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये कार्टून नेटवर्क पर आएगा। ऊपर से हम नेटवर्क के हेड से बातें कर रहे थे और हमको सारी बातें पता चल रही थी, एंड नाउ इट्स फाइनली एंडेड, सो इट वाज काइंड ऑफ वेरी हार्ड फॉर मी, बट फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर का आखिरी एपिसोड खत्म हो गया एंड इट वाज गुड। यानी कि डबिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट। हाँ, ड्रैगन बॉल की पूरी सीरीज परफेक्ट तो नहीं थी, यानी कि हिंदी डब को लेकर भी शुरुआत में थोड़ी बुरी थी, फिर अच्छी हो गई, फिर यहाँ वहाँ कैरेक्टर्स के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे, बट आखिर में मैं यही कहूँगा कि मज़े तो आ गए, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, मज़े आने चाहिए। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि भाई अब ड्रैगन बॉल सुपर ख़त्म ही हो गया, तो ऐसा नहीं है, ड्रैगन बॉल सुपर के पुराने एपिसोड्स अभी भी कार्टून नेटवर्क पर आएंगे रात के 9 बजे, तो आप उनको देख सकते हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैंने तो लास्ट के एपिसोड मिस कर दिए, तो प्रॉबली इसका जो रिपीट टेलीकास्ट है वो अगले संडे दिखाया जाएगा। अब ये कन्फर्म तो नहीं है, मैं खुद मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, प्रॉबली ये लोग शायद से अगले संडे को रिपीट टेलीकास्ट कर देंगे, या फिर पुराने एपिसोड नंबर 1 से फिर एक बार मैराथन शुरू कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, सो लेट्स सी। पर बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, तो अब फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर तो खत्म हो चुका है, डिजिमॉन जो है वो शुरू हो चुका है, पर इसके बाद नया एनिमे कार्टून नेटवर्क पर कौन सा आने वाला है,
तो इस पर काफी सारे चर्चाएं थे। यानी कि जब अभिषेक दत्ता सर कार्टून नेटवर्क में काम किया करते थे तब उन्होंने हमें बताया था कि ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज के बाद वो ड्रैगन बॉल जी को लाने वाले थे, और हमने इस पर बात भी की थी। हमने पूछा था कि दिस डजंट मेक सेंस, यानी कि जी को पहले दिखाना चाहिए और बाद में सुपर को दिखाना चाहिए, बट उनके क्रोनोलॉजी के हिसाब से यही सही था। तो हमने बोला ठीक है भाई, पर उसके बाद तुम जानते हो डिस्कवरी और वॉर्नर ब्रदर्स का पूरा मर्जर हो गया और अभिषेक दत्ता सर अब यू नो सोनिक निकलोडियन में काम करते हैं। तो आई डोंट नो कि जी का प्लान अब क्या है, यानी कि उत्तम पाल सिंह सर जो है वो क्या ड्रैगन बॉल जी को लाएंगे या नहीं, दैट्स काइंड ऑफ अनसर्टन। और दूसरी ओर उत्तम पाल सिंह सर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर उन्होंने बताया था कि वो एनिमेस को लाने के लिए ओपन है और कार्टून नेटवर्क कैसे एनिमेस का एक घर बन चुका है इंडिया में, तो उनके बातों के हिसाब से वो भी कुछ एनिमेस को ला सकते हैं। सो प्रॉबेबली हम कह सकते हैं कि वो भी ट्राई कर सकते हैं कुछ एनिमेस को लाने की, मे बी वन पंच मैन, माय हीरो एकेडमिया, कुछ भी हो सकता है। वन पंच मैन तो मैं नहीं मुझे नहीं लगता आएगा, पर माय हीरो एकेडमिया प्रॉबेबली आ सकता है। अब माय हीरो एकेडमिया की बात चल रही है कि वो सोनी ए पर आ जाएगा, बट ये बात नारुतो को लेकर भी हो रही थी। नारुतो कार्टून नेटवर्क पर आना चाहिए था पर आखिरी में सोनी ए ने बाजी मार ली और सोनी ए ने राइट खरीद के उसे दिखाना शुरू कर दिया। बट ऐसा भी हो सकता है माय हीरो एकेडमिया हम बात कर रहे हैं कि सोनी ए पर आ जाए पर वहां पर कार्टून नेटवर्क उनो रिवर्स करके खुद के चैनल पर दिखा सकता है, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। या फिर उत्तम पाल सिंह सर एनिमे का प्लान इंटायरली यू नो खत्म कर देंगे और ड्रॉप कर देंगे, वो बोलेंगे भाई एनिमे चाहिए ही नहीं, मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, अब मैं इंडियन कार्टून्स दिखाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो कार्टून नेटवर्क को फॉलो करते रहना, मे बी शायद से आपको कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, पर कोई नई एनिमे की अनाउंसमेंट अगले 3-4 महीने के लिए तो एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि डिजिमॉन भी अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो शायद से वो जब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा तब शायद से आपको एक नया प्रोमो या फिर कुछ देखने को मिल सकता है कोई नई एनिमे के बारे में, प्रॉबेबली ड्रैगन बॉल जी या फिर कोई दूसरी एनिमे, कुछ भी हो सकता है। बट ये मत एक्सपेक्ट करना कि डेथ नोट या फिर अटैक ऑन टाइटन आ जाए, क्योंकि दैट्स इम्पॉसिबल। टीवी पर तो वो नहीं आने वाला, वो अगर आ भी गया तो आपको कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, दैट इज अगर वो लोग उसको हिंदी में डब करे तो। बट कुछ दूसरा एनिमे कुछ आ सकता है, सो कीप वॉचिंग कार्टून नेटवर्क, शायद से कुछ हो जाएगा। बट यार ड्रैगन बॉल सुपर का जर्नी फाइनली खत्म हो चुका है। अगर आपने आखिरी एपिसोड देखा था तो तुम्हारे हिसाब से वो कैसा था, मुझे तो एक्चुअली काफी अच्छा लगा। तुम्हारे क्या ओपिनियंस है ये मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बता देना, एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।